सामने आई हैं वो तस्वीरें आप दिखा देते हैं। ये देखिए, ये किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें हैं और दिल्ली आने के लिए प्रदर्शन जारी है और उन्हें तितर बितर करने के लिए प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी संख्या में पंजाब और हरियाणा की तरफ से किसान जो है वहां पर किसी भी तरीके से वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि वो कैसे इन्हें रोके, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कई प्रदर्शनकारी हथियारों से भी लैस हैं, ऐसा कहा जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का एक बार फिर हंगामा देखने को मिल रहा है और ये शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा से दिल्ली आने के रास्ते में ही है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफी संख्या में प्रदर्शनकारी और अपनों को अपने मुंह को ढक करके, ये मुंह छिपा करके प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ना खुलासा हो उसका। आखिर ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि किसानों का एक ऐसा मुद्दा है जिसे जिसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी सीधा चौड़ा करके अपना चेहरा दिखा करके अपनी मांगों को रखेगा। लेकिन आप देखिए डंडे और कई तरह के हथियार यहाँ पर लेकर ये प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। और शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे दिल्ली में, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त लाल किले तक ऐसे ही प्रदर्शनकारी हथियार लेकर पहुंच गए थे और देश की आन बान शान तिरंगे को भी नुकसान पहुंचाया था, अपमान किया था तिरंगे का। और ये एक बार फिर इस तरह की प्रदर्शन की तस्वीरें, एक और आंसू गैस का गोला वहाँ पर छोड़ा गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं वहां पर, हाथों में तलवारें हैं प्रदर्शनकारियों के, डंडे हैं, तलवारें हैं और पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पुलिस वहां पर उन्हें रोकने के लिए खड़ी है उन पर देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, हाथों में तलवारें भी हैं वहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों के, डंडे हैं उन प्रदर्शनकारियों के हाथ में और ये दरअसल दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो शंभू बॉर्डर है जिसमें पंजाब से हरियाणा और फिर दिल्ली के लिए जाने का रास्ता है शंभू बॉर्डर, उसमें एक अहम पड़ाव है। शंभू बॉर्डर पर टोल की ओर बढ़ने की कोशिश वहां प्रदर्शनकारियों की है और इस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और जो व्यवस्था है वो बना कर रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में किसानों की MSP के गारंटी की मांग को लेकर ये प्रदर्शनकारी इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, इतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक घंटे में यहाँ तीसरी बार ऐसा हंगामा हो रहा है और ये देखिए पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है और बीच बीच में आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पत्थर मारकर वहां पुलिस कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और टोल गेट से महज 1 किलोमीटर के आसपास, माफ कीजिएगा आधा ही किलोमीटर रह गया टोल गेट वहां से,
और जब जहां पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ पहुंच चुकी है, और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर टोल तक ये पहुंचते हैं तो पंजाब से हरियाणा आने वाला जो ये पूरा मार्ग है अवरुद्ध हो जाएगा। और ऐसे में दिल्ली में इस वक्त, दिल्ली NCR में, खासकर नोएडा के आसपास का जो पूरा इलाका है वो इस वक्त जाम से त्रस्त है और भयंकर जाम लगा हुआ है, और इस जाम से दिल्ली की आवाम परेशान है और कई तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और ख़ास करके दिल्ली और नोएडा जो गाज़ीपुर या चिल्ला बॉर्डर वाला जो इलाका है वहां पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और परिस्थितियां जो है वो काबू में रहे, इसके लिए वहां पर CISF और BSF और इसके साथ साथ RAF भी लगाई गई है, स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, दिल्ली के इंटेल लगातार काम कर रही है। क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन किया गया था किसानों के नाम पर, वहाँ दुनिया भर से कई ऐसे लोग भी आए थे जो वहाँ पर वांछित नहीं थे, ऐसे प्रदर्शनकारी उसमें शामिल हुए जिन पर कि आरोप था कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं, और फिर हमने उस प्रदर्शन में खालिस्तानी झंडे भी देखे। और ये देखिए यहाँ पत्थर मार करके प्रदर्शनकारी काफ़ी खुश हो रहे हैं, और ये पत्थरबाजी जो कभी कश्मीर में हुआ करती थी, कश्मीर की पत्थरबाजी बंद हुई तो यहाँ पंजाब और हरियाणा में गाहे बगाहे इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं। MSP को लेकर मांग कर रहे हैं और MSP की गारंटी चाहिए, और MSP की गारंटी को लेकर, चूंकि जो कृषि कानून लाए गए थे पहले उसका विरोध हुआ था, लेकिन अब MSP की वो मांग कर रहे हैं, और ऐसे में प्रदर्शन की तस्वीरें।